परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय मुदमंगलमय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, ममतामय करुणामय वात्सल्यमयी माताओं एवं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबके बीच कुछ देर कुछ विचार प्रस्तुत है। हम सब अपने जीवन को जी रहे हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन अनुकूल है? क्या हम जो जीवन जी रहे हैं यह सच है? या फिर जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या इससे हमें जो मिलना चाहिए वो हमें मिल पा रहा है? क्या इसका हम सदुपयोग कर पा रहे हैं? यह सोचने की बात है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हर इंसान दुनिया में या धरती तल पर कहें, कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में दुख चाहता हो। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक बार ऐसे ही एक कथा चल रही थी। कथा के दौरान महात्मा जी ने कहा कि माताओं, आप सब ये बताएं कि कौन कौन ऐसा आदमी है या कौन कौन ऐसा है जो कृष्ण जैसा बच्चा आपके गोद में अपने गोद में चाहता है। ऐसा कौन कौन आदमी है या औरत है जो अपने बच्चे के रूप में महाराज कृष्ण, भगवान कृष्ण को चाहता है? सबके सब हाथ खड़ा कर दिए। सभी ने कहा कि हम चाहते हैं, हम चाहते हैं। कहा ठीक, आप सबको मिल सकता है, आप सब जो चाहते हैं वह मिल सकता है, लेकिन शर्त, शर्त क्या है? कहा आप सब यदि भगवान कृष्ण जैसा अगर बच्चा चाहते हैं तो सबसे पहले आप सबको जेल जाना पड़ेगा। अब बताइए कौन चाहेगा? जीवन में हम सुख तो चाहते हैं, अपने जीवन में सुखी होना सब चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय करना, उसके लिए कोई परिक्रम करना कोई नहीं चाहता है। सद्गुरु कबीर ने कहा है, बहुत दुख 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 की खानी, तब बची हो जब राम ही जानी। यदि आप दुख से छूटना चाहते हैं, दुख से पार जाना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? अपने विचारों को देखने, अपने जीवन को देखें। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, माताएं बहनें भी बैठी हैं। अभी कुछ दिन पहले ही नवरात्रि का समय चल रहा था। अनेक ऐसे लोग थे जो नवरात्रि के समय में भी अपने माँ की पूजा करना छोड़ दिए। अपने माँ की जो घर में बूढ़ी माँ है उसको कभी प्रणाम नहीं करती, उनके कभी पैर नहीं छूती, लेकिन जो बाहर चौक चौराहे में दुर्गा माता बैठाए थे, रोज उनकी उपासना करने जाती थी, रोज नहा धो करके वहाँ अगरबत्ती जलाती थी, क्या इससे हमारा दुख दूर होगा? जो माँ हमें रोज भोजन बना करके खिलाती है, जो माँ हमारी रोज कपड़े धोती है, रोज हमारे सेवा करती है, रोज हमें खिलाती पिलाती उठाती बैठाती, हर समय हमारी देखभाल करती है, उसकी हम कोई भी सेवा नहीं करते। और जो चौक चौराहे में नौ दिन के लिए बैठाया गया है, उसकी रोज उपासना करते हैं, यहाँ तक कि निर्जला व्रत का उपवास करते हैं। अनेक लोगों से संपर्क होता है हम सबका। कई ऐसे भाई लोग हैं, कई ऐसी बहनें हैं, वो लोग अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं, अपने आप को कबीरपंथी मानते हैं। कबीरपंथी का मतलब क्या होता है जानते हैं?
पंथ कहते हैं रास्ता, पंथ कहते हैं रास्ता, जो सदगुरु कबीर के बताए हुए राह पर चले उसे हम कबीरपंथी कह सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग अपने आप को कबीरपंथी तो मानते हैं लेकिन कबीर की नहीं मानते। सदगुरु कबीर को अपना इष्ट मानते हैं, सदगुरु कबीर को अपना भगवान मानते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर ने जो कहा उसको अपने जीवन में कभी नहीं मानते। सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, पाहन पूजे, कितने लोगों को याद है, लगभग यहां बैठे सबको याद है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासो तो चक्की भली पीस खाए संसार। हर इंसान को क्या, हर बच्चे को आज के समय में यह साखी याद है, लेकिन हम क्या करते हैं। जो माँ बाप हमारे घर में हैं, जिस पिता ने हमें बचपन से खिलाया पिलाया, हमारी परवरिश किया, अपनी गाढ़ी कमाई खून पसीना एक करके हमें पढ़ाया लिखाया सिखाया, उसे जब हम योग्य हो जाते हैं तो वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ देते हैं, उनके लिए वृद्धाश्रम खोल देते हैं, और हम अपने आप को बड़े भक्तिवान मानते हैं, भक्ति करने वाले मानते हैं। ये भक्ति नहीं है, ये तो लबरपंथी है। एक कबीरपंथी होने का कोई काम नहीं कर रहे हैं हम। मेरा खास कहने का उद्देश्य आज यही है कि हम सब जो जीवन जी रहे हैं, जो जीवन अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं, इसे जितना हो सके सादा और सिंपल बनाने का प्रयास करें। सादा और सिंपल का मतलब समझते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। जितना हो सके, यहां तक खाने में देखिए, पीने में देखिए, पहनने ओढ़ने में देखिए, रहन सहन में देखिए, हर चीज में सादा और सिंपल रहिए। यहां आप सब जितने संतों को देखते होंगे उनका वेश कैसा है, साफ सुथरा सफेद है। आप उनकी पूजा करते हैं, उनको उपास्य मानते हैं, उनको अपना सद्गुरु मानते हैं, उनको अपना इष्ट मानते हैं, और हम क्या करते हैं, घर से बाहर निकलने के पहले दर्पण के सामने 10 बार देखते हैं कि मैं कैसे दिख रहा हूं। कभी इसको देखने के पहले अपने अंदर को देखे हैं, कभी चेहरा देखने के पहले अपने भीतर झांके हैं, कभी ये देखे हैं कि मेरा हृदय आंगन कैसा है। आप सब बहुत भजन सुनते हैं, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। कौन सा आंगन, अपने हृदय रूपी आंगन को अभी यदि साफ नहीं किए, उसे सुंदर नहीं बनाए, उसे अच्छा नहीं किए, तो क्या आपके जीवन में जो खुशनुमा जिंदगी आप पाना चाहते हैं, जो सुख और शांति की तलाश करते हैं, क्या वो मिल सकता है? कभी नहीं। हम सबको चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा हो, सुंदर हो, व्यवस्थित हो। मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को जितना हो सके अंधविश्वास पाखंड और आडंबर से बाहर निकाल लें। आज के समय में भी इतना अंधविश्वास और पाखंड हमारे जीवन में घुस गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम सदगुरु कबीर के अनुयायी हैं, सदगुरु कबीर के अंश हैं, सदगुरु कबीर के पुत्र और पुत्री माने जाते हैं। थोड़ा तो शर्म करें, थोड़ा तो अपने जीवन में विचार करें कि हमें किस ढंग से जीवन जीना है। कई ऐसे लोग हैं गले में कंठी है और मुख में गुटखा और तमाकू, ये कौन सी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। ऐसे जीवन जीने वालों को तो लानत है लानत। कम से कम थोड़ा सा तो विचार करें कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूं सदगुरु कबीर के अनुयायी अपने को मानते हैं, गले में ताबीज, बाहों में ताबीज, पैरों में आजकल रेशम का धागा बांधने का प्रचलन चला है। सब क्या है ये, सब आपके कुंठित मन का प्रभाव है, ये आप दिखा रहे हैं।
एनालिसिस जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो लोग कहा करते हैं कि हमारे जीवन का चाल चलन, हमारे जीवन का ढंग ये बताता है कि हम कैसे हैं, हम कैसा चलते हैं, हम कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब हमारे दिमाग और हमारे मन को दर्शाते हैं। यदि हमारा दिमाग बिगड़ा हुआ है ना, तभी हम लोग ऐसा काम करते हैं। जो लोग सोचते हैं कि हम गुल्ली ताबीज तंत्र मंत्र से अपने जीवन को सुधार लेंगे, ये सुधारते नहीं, अंत में और नरक में जाने का ही काम करते हैं। हम सबको चाहिए कि इन पाखंडों से बाहर निकलें। हमेशा याद रखिए, एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कैसे होता है? निश्चल मन, उसके शरीर में कोई लाग लपेट नहीं होता है, उसके मन में भी कोई लाग लपेट नहीं होता है। वो हंसेगा तो खुल के हंसेगा, जितना शक्ति जितना ताकत लगा सकता है उतना ताकत लगा के हंसता है, और जब रोएगा तब जितनी शक्ति और जितनी ताकत लगा के रोना चाहे उतना रो लेता है। और उसके मन में कभी दुख नहीं, कभी पीड़ा नहीं, कभी क्लेश की गांठें नहीं होती है। हम ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन में आडंबर भरते जाते हैं, इसीलिए हमारा जीवन दुखी और तनावग्रस्त बनता जाता है। बस और कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, अभी हम लोग संत श्री धनेन्द्र साहिब जी के विचार सुन रहे थे। सच्चे रूप में कबीरपंथी क्या हैं, इस पर बहुत अच्छे उन्होंने प्रकाश डाला। आइए, समय न गंवाते हुए मैं निवेदन करता हूँ, हमारी संस्थान के संत श्री अखिलेंद्र साहिब जी से आप आएँ और अपने 10 मिनट हम लोगों के बीच विचार प्रस्तुत करें। संत श्री अखिलेंद्र साहिब, बोलिए सद्गुरुदेव की। आवाज़ ही नहीं आ रही है, इतने काफ़ी लोग हैं। एक बार जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सद्गुरुदेव की। सभी से निवेदन है कि शांति से बैठे। आपको किसी की बातें लग सकती है, आपको किसी की बातें चोट कर सकती है, आपका जीवन बदल सकता है। आप यहाँ जीवन परिवर्तन करने आए हैं, और हो सकता है आप घूमने भी आए रहे होंगे, लेकिन किसी की यदि बात लग गई और जीवन बदल गया तो सोना में सुहागा हो गया। फिर अभी हमारे संत कह रहे थे कर्मकांड और पाखंड। कर्मकांड और पाखंड का एक लाइन में अर्थ कहूँ, जो हम कहते हैं करते नहीं, ये कर्मकांड है, और उसी का जब बढ़ावा हो जाता है तो इसको पाखंड कहते हैं। यहाँ सत्संग की चर्चा हो रही है और जीवन को बदलने की चर्चा हो रही है, और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दे, तो हम जितने सब बैठे हैं ना, मैं क्षमा चाहता हूँ, सब के सब कर्मकांडी और पाखंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि एक कान से सुन लिए और दूसरे कान से निकाल दिए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो इतना ही कहलाएंगे। और इसी कारण से आपके घर में और परिवार में परिवर्तन नहीं होता है। हम जानते बहुत कुछ हैं, क्या बदलते भी हैं जीवन को? जानते हैं लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं लाते। इसलिए आने वाले पीढ़ी को सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, सत्य निष्ठा के प्रति झुकाव नहीं है। और हर माँ बाप की शिकायत होती है कि हमारे बच्चे कहाँ नहीं मानते हैं। हर माँ बाप की शिकायत होती है हमारे बच्चे, क्या आप अपने बच्चे को सिखाए हैं? क्या आप अपने बच्चे को कभी धार्मिक संस्थाओं में ले गए हैं? क्या कभी आप अपने बच्चे को आश्रमों में ले गए हैं? क्या कभी आप अपने बच्चों को गुरु के सामने सर झुकाना सिखाया है? क्या कभी आपने अपने बच्चों को सेवा करना सिखाया है आश्रम में ले जा करके?
आपने ये चीज सीख ही नहीं दिए हैं। आपने पढ़ना सिखाया, बच्चे पढ़े, आपने इंजीनियर बनाया सिखाया, इंजीनियर बने, गाड़ी चलाना सिखाया, गाड़ी चलाए, मोबाइल चलाना सिखाए, मोबाइल चलाता है। क्या आपने अध्यात्म की भी परिभाषा सिखाया है बच्चे को? और माँ बाप की शिकायत होती है, बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं। आप कितने मानते हैं अपने माँ बाप के? हर व्यक्ति अपने ही माँ बाप से पराये होते जा रहे हैं और अपने ही माँ बाप से नफरत करते, नफरत का बीज बोते चले जा रहे हैं। और इसमें बैठे ना, उसमें से अधिकतम लोगों की गिनती इसमें है, अधिकतम लोगों की। आपको अपना ही पिता अच्छा नहीं लगता है, आपको अपनी ही माँ अच्छी नहीं लगती है, आपको अपने ही पुत्र, आपके अपने ही पुत्र वधू अच्छी नहीं लगती है। ये दुनिया का नियम अजीब है। जब समुद्र में लहरें आती है तो नज़दीक के गड्ढों को पहले लबालब करते हुए चलती है, तब दूर के गड्ढों को भरती है। लेकिन आदमी की प्रवृत्ति क्या है? दूर का ढोल सुहावन, उस माँ के प्रति प्रेम और करुणा होती है जिस माँ को छोड़ करके आए होते हैं। जीवन को बदलिए। बच्चों को आज मैं कहना चाहूँगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, उसमें से 50 से ज़्यादा उम्र वाले हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं सत्संग की। आप लोगों को जीवन नैया पार हो चुका है, सत्संग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आने वाले पीढ़ी को सत्संग की ज़रूरत है। और यदि आने वाले पीढ़ी को आप सत्संग के प्रति आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको रुझान नहीं देंगे, तो कल की पीढ़ी क्या है सत्संग नहीं जानेगा, क्या है धर्म नहीं जानेगा। धर्म की परिभाषा इतना ही जानेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये धर्म जानेगा। बाकी मानवता क्या चीज़ है ये नहीं जान पाएंगे, प्रेम क्या चीज़ है नहीं जान पाएंगे, दया क्या चीज़ है ये नहीं जान पाएंगे, उससे दूर कोसों चले जाएंगे। और ये दूर ले जाने वाले ना आप सब है, अपने ही बच्चे के जीवन का दुश्मन बनते हैं आप, अपने ही बच्चे के जीवन का आप दुश्मन बनते हैं। आप ही अपने बच्चे के जीवन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी आपकी होती है। कल कुछ लोग बैठे थे दोजने के पास में, कहे वो एक बच्ची कहे, पापा आने वाली पीढ़ी का जो माहौल ख़राब है ना, इसकी जिम्मेदारी इन बच्चों की नहीं, आप सबकी है। आपने कभी आपने संतों के प्रति रुझान नहीं दिया, आपने सत्संग के प्रति प्रेरणा नहीं दिया, इसलिए आज बच्चे भटक रहे हैं। अभी हमारे साथी कह रहे थे दुर्गा पूजा, दो मिनट इस पर बताऊं। पहले दुर्गा पूजा स्टार्ट हुआ था एक उपासना के लिए, एक श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के लिए दुर्गा उपासना शुरू हुआ था। और उपासना के समय 9 दिन तक बहनें एक साइड बैठ करके अपना उपासना करती थी, ध्यान करती थी, कीर्तन करती थी, एक तरफ पुरुष लोग बैठ करके करते थे, उपवास रहते थे और अपना साधना करते थे। आज का दुर्गा पूजा क्या हो गया है? आज का नवरात्रि ढोल ढमाका, बस जीवन की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। आज डॉक्टरों के पास में दुर्गा गर्भा नृत्य के बाद में जितने केसेस आते हैं ना, उतने 11 महीने में गलत केसेस नहीं आते हैं। आप जितना ही श्रद्धा और भक्ति से उस दुर्गा की पूजा करते हैं, उतना ही श्रद्धा और भक्ति और प्रेम के साथ घर की दुर्गा की पूजा करते तो आपका घर प्रेम बन जाता। पैसा ही से जीवन नहीं संवरता है, अगर पैसे से जीवन संवरता तो अंबानी दोनों भाई नहीं लड़ते, आपस में कोर्ट और कचहरी नहीं चलते। पैसा से सब कुछ होता तो जीवन बड़े बड़े आदमी लोग पैसों को सुख को खरीद लिए होते, गरीब लोगों के जीवन में सुख ही नहीं होता। कर्मकांड और पाखंड, आप यहाँ जितने बैठे हैं उसमें से अधिक लोग कबीरपंथी हैं, और मैं सच कहूँ तो कबीरपंथी हम सब कम हैं, लबरपंथी ज़्यादा हैं। जितने लोग यहाँ बैठे हैं उसमें से 90% लोग दुर्गा पूजा करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, असली भगवान से साक्षात्कार ही नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, असली भगवान को जानते ही नहीं तो क्या करेंगे। एक आपकी इच्छा और निष्ठा है तो आप पूजा करिए, लेकिन सत्य बताऊं, जिस दुर्गा की आप पूजा करते हैं वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकती है। लेकिन आपकी श्रद्धा है तो करिए, लेकिन मात्र पूजा और पाठ से जीवन में परिवर्तन नहीं होने वाला है। यदि पूजा और पाठ के बल पर परिवर्तन चाहें, कल मेरे पास एक फोन आया था, कहे साहब जी मैं सदगुरु कबीर के प्रति इतना निष्ठावान था और सदगुरु कबीर को मैं परमात्मा मानता था और मेरे गुरु ने बताया था कि सदगुरु कबीर ही परमात्मा है और सदगुरु कबीर से ही सृष्टि शुरू हुई है। मैंने उनको कहा हमारे भारत देश में 135 करोड़ आबादी है, 135 करोड़ आबादी में 30 करोड़ भी कबीरपंथी नहीं है, तो क्या 105 करोड़ लोग का जीवन नहीं चलता है? क्या 105 करोड़ लोगों की दुकानें नहीं चलती है, उनका मकान नहीं बनता है, उनका परिवार नहीं चलता है?
क्या 105 करोड़ लोग दुखी जीते हैं? यदि कबीर को परमात्मा मान लिए तो आप कह रहे होंगे कबीर पंथी होकर के क्या बोल रहे हैं। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूं, कबीर पंथियों ने परमात्मा बना दिया। और क्यों बनाया? क्योंकि उसके पीछे बिजनेस चलता था। सदगुरु कबीर का मूल बीजक रचना है, उसकी व्याख्या सदगुरु अभिलाष साहेब की रचना है, यहाँ दो भागों में, उसको पढ़िएगा। लेकिन सदगुरु कबीर की मूल बीजक को लोगों ने किनारे कर दिया और कबीर पंथियों ने वहां पर अनुराग सागर कई प्रकार के पुस्तकें ला दिए। क्यों लाए ये भी बताऊं? क्योंकि मूल बीजक में पूजापा और महंती पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कबीर पंथियों ने मूल बीजक को दबाने का प्रयास किया। और जहां पर पैसा पूजापा और महंती की बात चलती है वहां पर चलता है, इसलिए अनुराग सागर सामने लाया गया ताकि हम लोगों को खूब पैसा मिल सके। और हर आश्रम में आज कबीर की जय जयकारा होती है, कबीर के नाम पर यज्ञ करते हैं, कबीर के नाम पर हवन तर्पण करते हैं। और जीवन तो अभी हमारे संत कह रहे थे पंथ का मतलब होता है रास्ता, और कबीर का मतलब जानते हैं? कबीर का मतलब होता है महान, एक महान पंथ, एक महान रास्ता। और इसमें आने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आ सकता है, कोई भी इस मत पंथ पर चल सकता है। आप कर्म कांड से ऊपर उठे और धर्म, आपको बताऊं सत्य, जितने आज लड़ाइयां धार्मिकों में हैं, जितनी आज बर्बादी धार्मिकों में है, उतना आम जनता में बर्बादियां नहीं है। आज जितना आदमी को धार्मिक लोग लड़ाते हैं, और कौन धार्मिक? हम जैसे मंच में बैठने वाले लोग, क्षमा चाहूंगा, जो सत्य बात नहीं बताते हैं और धर्म के नाम पर गुमराह करते हैं, कबीर के नाम पर यज्ञ करते हैं। अभी मैं जिस जगह रहता हूं वहां से 4 किलोमीटर बगल में एक महंत है, वो पूजा भी करता है, चौंका भी करता है, और चौंका करता है और गांजा भी बेचता है। महंत है, आज जेल में पड़ा हुआ है, ये स्थिति है महंतों की। और मैं पहले ही कहा पूजा और पाठ के बल पर जीवन परिवर्तन नहीं होगा, ये चीज दिमाग में लिख लीजिए। आप यहां से जाने के बाद में आपके भाषा में प्रेम का उद्गार होना चाहिए, यहां से जाने के बाद में आपका जीवन शैली बदल जाना चाहिए, यहां से जाने के बाद में आपके दुश्मन हट जाने चाहिए, तब सत्संग का महत्व है। नहीं तो हम सब, मैं पहले ही कहा कि हम सब कर्मकांडी और पाखंडी के अलावा कुछ भी नहीं कहलाएंगे। बदलिए जीवन, पैसा से जीवन नहीं बदलता है, जीवन कपड़े से नहीं बदलते हैं, मोबाइल से नहीं बदलता है, मकान से नहीं बदलता है, गाड़ी से नहीं बदलता है, जीवन बदलता है आपके अपने विचारों से बदलता है। क्या विचार को भी बदलते हैं आप गाड़ी बदल देते हैं, मकान बदल देते हैं, मोबाइल बदल देते हैं, कपड़े बदल देते हैं, ये मकान पसंद नहीं तो दूसरे मकान में चले जाते हैं। क्या कभी आपने विचारों को बदलने का प्रयास किया है? सब कुछ बदल दिया और विचारों को नहीं बदले तो जीवन नहीं बदल सकता है। और जीवन बदलने का तरीका यही है, विचारों को बदलिए, कर्मकांड और पाखंड से हटिए, ऐसे ही विचार सुनते रहिए। और इसीलिए मैं कहता हूँ बीच बीच में कहीं भी जाता हूँ तो सत्संग के प्रति रुझान रखिए। आपके घर में बर्थडे प्रोग्राम होता है, किसी की मृत्यु होती है, आप जिन संतों को मानते हैं उनको बुलाइए और सत्य और निष्ठा और प्रेम की परिभाषा पूछिए, जीवन जीने की शैली पूछिए। आप ही सत्संग, आपके घर में संत कई सालों से नहीं गए हैं, क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि आप वो चाहते नहीं हैं। और कहते हैं बच्चे बिगड़ते चले जा रहे हैं, कौन बिगाड़ रहा है बच्चे को? आप बिगाड़ रहे हैं, आप जिम्मेदार हैं। यदि आज आपके बच्चे सत्संग से रूझ रति प्रति निष्ठा नहीं है तो आपने अपने बच्चों को सत्संग से दूर कर दिया है। इसलिए सत्संग के प्रति जुड़िए। और आपके घर में कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो जिन संतों को आप मानते हैं उनको बुलाइए और अर्थ पूछिए, जीवन का अर्थ पूछिए, जीवन का महत्व समझिए। और छोटा प्रोग्राम करिए, बड़ा नहीं कर सकते, छोटा करिए जहाँ पर रहते हैं, तब आप सत्संग के प्रति जुड़ेंगे, तब कहीं कबीर पंथ को समझ पाएंगे। नहीं तो आपके घर में कबीर पंथ लुप्त होता चला जाएगा और आपको अपने ही जीवन काल में जो कल्पना भी नहीं किए हैं वैसे ऐसे दृश्य आपको घर में देखने को मिलेंगे, घर में देखने को मिलेगा, और आप अपने ही आप में पीड़ित रह जाएंगे, आपका जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए आप सब अपने जीवन को संवारिए और सुंदर जीवन का निर्माण करिए। बोलिए सद्गुरु देव की जय। और क्या बाकी है तो उसके बाद बोलिए सद्गुरु देव की जय। लगता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई क्या आपकी? जोर से बोलिए।
बोलिए सदगुरु देव की जय। कितने क्रांतिकारी विचार अभी हम लोगों ने सुने, उसके बाद भी ये हाल है तो कैसे चलेगा। आइए, हम लोगों ने बहुत ही सुंदर विचार श्री अखिलेंद्र साहब जी से सुने। हमारी संस्थान के संत श्री करमचंद साहब जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी अपने 10 मिनट विचारों से हम सभी को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। संत श्री करमचंद साहब जी, आपसे भी निवेदन है कि आप भी आएं और अपने 10 मिनट विचार रखें, उसके बाद फिर पूज्य गुरुजन बैठे हुए हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय। पूजनीय साहेब जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, दूर दरार से पधारे सत्संग प्रेमी बंधुओं और माताओं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं गुरुवर कबीर के विचारों से ओतप्रोत होने के लिए। गुरुवर कबीर के विचार हमारे जीवन के भ्रम और मान्यताओं को मिटा देते हैं। बहुत कुछ हम इन विचारों से परिचित हैं, लेकिन बीच बीच में हम भटक जाते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। हम कहने बस के लिए कबीरपंथी रह जाते हैं, जीने के लिए नहीं रह जाते हैं। तो ये सत्संग का आयोजन इसीलिए करते हैं कि हम अपने आप को सत्संग में ले जाएं और अपने आप को पुनः चार्ज करें। चार्ज करके अपने अंदर की भ्रम मान्यताओं को दूर करें, अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करें। गुरुवर कबीर के विचारों से सब परिचित हैं। गुरुवर कबीर का विचार के सामने कोई भ्रम नहीं टिकता है, अंधविश्वास नहीं टिकता है। चाहे एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर वो विचारों को समझ जाता है फिर वो फौलाद बन जाता है। वो किसी से डरता नहीं है, उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ जाता है। गुरुवर कबीर को पा करके आदमी अपने आप को बहुत महान बना लेता है। हम सब खुद अपने आप से पूछें कि अगर गुरुवर कबीर का विचार हमें ना मिला होता, संत गुरुजन हमें ना मिले होते, तो आज हम कहाँ बैठे होते? यहाँ कबीर पारक संस्थान में होते नहीं, कहीं और धूप अगरबत्ती चुलगाते होते, किसी पत्थर की मूर्ति में नाक ढूंढते होते। आज इन सब भ्रम मान्यताओं से हम दूर हैं। उसका एक ही कारण है कि हमने गुरुवर कबीर को पाया, उनके पारख विचार को पाया। हमारे जीवन के सारे भ्रम और मान्यता उससे खत्म हो जाते हैं।
एक वेग नहीं खत्म होते, धीरे धीरे खत्म होते हैं। लेकिन अगर आदमी लगा रहे, समझने का प्रयास करे, तो एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने जीवन के सारे भ्रम और मान्यताओं को दूर कर देता है और कबीर के विचार को पूरा अपने जीवन में स्थान देता है और जीना शुरू कर देता है। और जो कबीर का विचार आ जाता है जीवन में, तो अपने आप में वो बहुत महान हो जाता है, बहुत ऊंचा उठ जाता है, फिर उसके जोड़ का, उसके टक्कर का कोई नहीं बचता है। गुरुवर कबीर की दृष्टि हर मानव के लिए एक थी, सबको एक दृष्टि से देखते थे, कोई जाति पात ऊंच नीच भेद भाव इन सब से दूर। आज बहुत सारे कबीरपंथी हैं, उनके अंदर में भी ये भावना होती है कि ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, सब मानव हैं। गुरुवर कबीर ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग अपना पूज्य मानते हैं। पूरे विश्व में कहते हैं केवल दो या तीन संत ऐसे हुए हैं, उसमें कबीर भी हैं, कि जिनको हिंदू और मुस्लिम दोनों पूज्य मानते हैं। बस बहुत ज्यादा नहीं, पूरे विश्व में एक तो यही है, दो और कहीं बाहर के हैं। इनको ऐसा क्यों माना गया? मानव को केवल मानव समझे, किसी को हिंदू, किसी को ब्राह्मण नहीं समझे, किसी को जातवादिता का कट्टरता नहीं पहनाए। हिंदू कहता है कि मैं बड़ा हूं, मुसलमान कहता मैं बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा खुदा बड़ा, उसने दुनिया बनाई। एक जन महात्मा है बिहार के, आप लोग जानते होंगे, वो ऐसे सभा में कहे कि ठीक है तुम कहते हो बड़ा है और दुनिया को इन्होंने ही नहीं बनाई। मैं दूसरी बात पहले कहना चाहता हूं कि जब हम जैसे कुछ कहते हैं तो उस बात के कई अर्थ होते हैं और हमको पता नहीं होता है। कैसे? जैसे कोई यहां से बैठ के कहे या कोई आदमी कहे मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं, ध्यान देंगे, कोई आदमी कहे मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं, ये केवल एक वाक्य है बस। क्या कभी हो सकता है ऐसा? तो तुम कहां से आए? ऐसे ही वो वाक्य है कि एक आदमी कहता है कि इस दुनिया को ब्रह्मा ने बनाया, खुदा ने नहीं बनाया है। तो महात्मा ने कहा, अब मैं वो बात कह रहा हूं, वो महात्मा ने कहा कि ब्रह्मा जी मुसलमान थे। हिंदू लोग भड़क गए। महात्मा ने कहा ब्रह्मा जी मुसलमान थे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। हिंदू लोग भड़क गए, भाई ऐसा कैसे? कि तुम ही कह रहे हो कि दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है। अब ब्रह्मा ने बनाई तो ब्रह्मा ने मुसलमान क्यों बनाया? पाकिस्तान क्यों बनाया? सऊदी अरब क्यों बनाया? मुस्लिम देश क्यों बनाया? पूरा भारत नहीं, विश्व के लोग परेशान हैं। अब अगर ये बात मान ली जाए कि दुनिया ब्रह्मा ने बनाई, तो इसका मतलब पक्का ब्रह्मा जी मुसलमान थे। परेशान करने के लिए बनाए कि नहीं बनाए? आखिर इसी दुनिया में तो मुसलमान भी हैं। हम अपने इष्ट के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसका अर्थ नहीं समझते, वो क्या क्या अर्थ उसके निकलते हैं। वही बात ना कि मेरे पिताजी बाल ब्रह्मचारी हैं, वैसे हम गा रहे हैं। हमारी दुनिया को हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर, हमारे खुदा कबीर को भी लोग उसी में लपेटते हैं, गुरुवर कबीर चला रहे हैं। चला तो रहे, लेकिन इतना गड़बड़ क्यों हो रहा है? एक 5 साल 10 साल के बच्ची के साथ जो जो दुष्कर्म होता है, आप लोग पेपर टीवी देखते होंगे, यही कबीर करवाते हैं, यही आपके ब्रह्मा करवाते हैं, यही आपके अल्लाह करवाते हैं। सब बकवास है, सब ढकोसला है, धांधलेबाजी है। अपना अपना केवल सब जेब गरम करने के लिए कुछ भी जनता को गुमराह करते रहते हैं और जनता भी गुमराह होती रहती इनके पीछे। अगर हमें
सत्य विचार जानना है, अपने जीवन में सत्य को स्थान देना है, तो गुरुवर कबीर के छत्र छाया में आना होगा, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना होगा। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, दुनिया को किसी ने बनाया नहीं है, स्वतः से है, आदि से है, अनंत तक रहेगी, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि इस दुनिया को किसने बनाया, कहां से बनाया, कहां से सामान लाया, मिट्टी कहां से लाया जो इतना बड़ा पिंड बना दिया, ये मिट्टी कहां रखी रही होगी, तो किस गाड़ी से ला करके बनाया, बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। लेकिन आदमी उन सब के पीछे नहीं, बस जो पुराणों में महाकाव्यों में लिख दिया गया उन्हीं के पीछे भाग रहा है। तो बंधुओं, जरूरत है कि हम गुरुवर कबीर से जुड़े हैं तो पूर्ण रूप से जुड़े। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, जो अभी थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं, पूर्ण रूप से हम समर्पित नहीं हो पा रहे हैं, पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, कहीं हमारे अंदर डर है ये अच्छा कि वो अच्छा, हम जो घर में दो ठो मूर्ति रख लिए, दो ठो फोटो टांग लिए हैं, वो अच्छा कि आश्रम जाते हैं वो अच्छा, साहब लोग कहते हैं वो बात अच्छी कि ये बात अच्छी। तो गयो गाभिन बैलो गाभिन, यूपी में कहावत है, एक आदमी से पूछे कि तुम्हारे यहाँ कौन, मतलब गाय जब बच्चा देती देने वाली होती है तो उसे कहते हैं अभी एक गाय गाभिन है, तो कहता है कि गाय गाभिन है कि बैल गाभिन है पता नहीं है हमको, तो हम सब भी वही वाले हैं, हम गयो गाभिन और बैलो गाभिन करते करते पूरा जीवन बिता देंगे और गुरुवर कबीर के विचारों को नहीं समझ पाएंगे। पूर्ण रूप से पारख विचार और ज्ञान को समझने की जरूरत है। बंधुओं, मेरा समय पूरा हुआ, आप लोगों से यही गुजारिश और यही निवेदन कि अपने जीवन से भ्रम और मान्यताओं को दूर करें, तभी आप सच्चे कबीरपंथी कहलाएंगे, नहीं तो लवरपंथी कहना कोई बुरा नहीं होगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर, अभी हम लोगों ने संत श्री करमचंद साहब जी के विचारों से लाभ लिए। आइए, कुछ कह रहे हैं क्या साहब? हेलो, एक सूचना है आप सबके लिए। इधर बीजक मंदिर के पूरब में नीम के पेड़ के नीचे डॉक्टर ओपी शर्मा बैठे हुए हैं, वो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। आज वो आ सके हैं हमारे बीच में, तो जिन्हें भी कुछ खांसी जुखाम या और भी दिक्कतें हों, बड़ी दिक्कतें, वो डॉक्टर ओम प्रकाश जी से जाकर के मिल सकते हैं। और उनके साथ ही डॉक्टर राम मिलन जी हैं, वो आँख के डॉक्टर हैं। तो जैसी कल सूचना दी गई थी कि आज वो मोतियाबिंद के मरीजों को देख रहे हैं, तो जिन भी सज्जन या देवियों को मोतियाबिंद की शिकायत हो वो आज उन्हें दिखा सकते हैं, और कल जो है उनका ऑपरेशन वो निःशुल्क ऑपरेशन कर देंगे। तो दोनों ही डॉक्टर इस समय पेड़ के नीचे हैं, तो जिन्हें रुचि हो, जिन्हें आवश्यकता हो, डॉक्टर ओपी शर्मा से मिल सकते हैं और डॉक्टर राम मिलन जी से मिल सकते हैं। साहेब बंदगी साहेब। हेलो, एक बार जोर से आप सभी लोग सदगुरु कबीर का जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। काफ़ी देर से हम लोग साथियों के विचार सुन रहे थे, उनका सबका एक ही मतलब था। उन्होंने कहा कि हम सच्चे रूप में सदगुरु कबीर को समझें, सच्चे रूप में कबीरपंथी जो कहलाते हैं, क्या वो वास्तव में सच्चे रूप में कबीरपंथी बन रहे हैं। उन्होंने घूम फिर के सारी बातों को आप लोगों को समझाया, और मैं यदि कहना चाहूँ तो सदगुरु कबीर की एक सुप्रसिद्ध साखी है छोटी सी, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कबीर साहब कैसे हम लोगों को बनाना चाहते हैं, कैसे हम लोगों को संवारना चाहते हैं।
सतगुरु कबीर ने एक साकी कही है, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। सदगुरु कबीर की ये साखी आप लोगों को सबको मनन है, सब लोगों को याद है, सब लोग जानते हैं। सतगुरु कबीर का एक ही लक्ष्य है, सतगुरु कबीर का एक ही कहना है। उन्होंने इस साखी में ये नहीं कहा कि यह तन तो साफ हुआ, तन की साफ करने के लिए सतगुरु कबीर ने नहीं कहा, घर मकान को साफ करने के लिए सतगुरु कबीर ने नहीं कहा। सतगुरु कबीर ने सीधे मूल, जो हमारी सारी गड़बड़ी जहां से होती है, जहां से सारा खुरापात जगता है, उसी को सतगुरु कबीर ने पकड़ने का प्रयास किया। उन्होंने मूल को पकड़ा, क्या कहा, यह मन तो निर्मल भया। सतगुरु कबीर ने कहा यदि आपका मन निर्मल हो जाता है, यदि आपका मन स्वच्छ हो जाता है, यदि आपका मन सुंदर हो जाता है, तो जितनी भी खुरापातें संसार में होती है ना, सारी की सारी बंद हो जाएंगी। क्योंकि मन की गड़बड़ी में ही तो एक दूसरे को ठगते हैं, मन की गड़बड़ी में ही तो एक दूसरे के साथ अन्याय अत्याचार करते हैं। मन की गड़बड़ी होती है तभी तो हिंदू और मुसलमान लड़ते हैं, मन की गड़बड़ी होती है तभी तो धर्म की आड़ में ना जाने कैसे कैसे गलत कर्म होते हैं। ये सारी खुरापात मन कराता है, और सतगुरु कबीर उसी पर चोट करते हैं कि यदि आप एक अपने मन को निर्मल कर लो तो ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का समाधान सीधे सीधे एक बात में हो जाएगा, जब आपका मन निर्मल हो जाएगा तब। क्योंकि जब आपका मन निर्मल होगा तो जो भी आप कर्म करेंगे उस कर्म से सुगंधि आएगी, उस कर्म से आपको 100% लाभ मिलेगा। क्योंकि मन की निर्मलता ही मनुष्य के जीवन को पवित्र बनाती है, मन की निर्मलता ही मनुष्य के जीवन को सुंदर बनाती है। क्योंकि मन जब निर्मल होगा, यदि आप घर में हैं और यदि झाड़ू भी आप लगाती हैं, तो यदि मन निर्मल है तो आपको महसूस होगा मैं घर को नहीं बुआ रही हूं, किसी मंदिर को साफ कर रही हूं। यदि मन निर्मल होगा और यदि उस समय आप भोजनालय में हैं, भोजन बनाते हैं, उस समय आपको ये महसूस होगा कि मैं घर वालों के लिए भोजन नहीं, मैं देवी और देवताओं के लिए भोग बना रही हूं, उनके लिए प्रसाद बना रही हूं, उनके लिए मैं एक स्वच्छ भोजन दे रही हूं। ये मन की निर्मलता है। क्योंकि मन की निर्मलता से सारे के सारे विकार जो होते हैं सारे दूर हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि जिसे हम हरि कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे भगवान कहते हैं, वह भी जो निर्मल मन होता है उसके पीछे पीछे भागते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब कोई हरि परमात्मा नहीं, यहाँ पर मनुष्य के सद्गुण उसका पीछा करते हैं और उससे उसके जीवन में हमेशा प्रसन्नता रहती है, हमेशा उसका जीवन मुस्कुराता रहता है, खुश रहता है। तो यही बंधुओं सद्गुरु कबीर का कहना है कि आप मूल को पकड़ें, अपने मन को संभालें, अपने मन को साफ करें, सारी समस्याओं का हल उसी में मिल जाएगा। सद्गुरु कबीर की इस वाणी पर हम गौर करें। काफ़ी देर से हम लोग साथियों के विचार सुन रहे थे, आइए हम 10 मिनट और विचार सुनते हैं हमारे साथी संत श्री शिवेंद्र साहिब जी से। आप भी इस मंच पर आसीन हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि आप भी अपने 10 मिनट अपने विचारों से हम लोगों को लाभान्वित करने की कृपा करेंगे। संत श्री शिवेंद्र साहिब जी, उसके बाद पूज्य साहिब जी। हाँ ठीक है, पहले इनको नहीं साहब। अच्छा एक भजन नहीं, 10 मिनट। चलिए उनसे आप हम सब एक भजन सुनते हैं, उसके बाद पूज्य संत गुरुजन विराजमान हैं, उनके भी विचार सुनने हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की।
परम पूज्य साहेब जी, वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, एक भजन आप लोग के बीच प्रस्तुत है। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। जिसको तू अपना कहता है, ये न तेरे अपने हैं, तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। जब से जग को अपना समझा, तब से रब को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा, हर बार गर्भ में सूल गया। अब भी वक्त सुन ले बंदे, अब भी वक्त सुन ले बंदे, बाद में फिर पछताएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता, एक नदिया का पानी है। बचपन तेरा बीत गया और जाति तेरी जवानी है, ये जीवन तो कल कल बहता, एक नदिया का पानी है। हाथ गुरु का थामल वरना, हाथ गुरु का थामल वरना, बीज भंवर डूब जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा।
धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है, बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है, बह जाएगा लख चौरासी जिसने गुरु को पाया है, बड़ भागी है गुरु संग जिसने जीवन सफल बनाया है, गुरु चरणों से प्रीति कर ले, गुरु चरणों से प्रीति कर ले, अंत गुरु में समाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, तोड़ चलेगा जग से नाता सदा सदा सो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। बोलिए सदगुरु देव की जय। बहुत सुंदर अभी हम लोग भजन श्रवण किए, आइए अब हम लोग पूज्य संत गुरुजनों से विचार सुनते हैं। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूँ पूज्य संत श्री रतन साहिब जी से, आप अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। पूज्य संत श्री रतन साहिब जी साहब, चालू है? अच्छा, एक बार सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, बोलो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आदरणीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा भक्तमती माता बहनों, अभी हम लोग संतों के विचार सुन रहे थे। संतों की वाणी है, यही अमृत है। लोग अमृत की कल्पना करते हैं कि अमृत मिल जाएगा और अमृत को खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ही कोई वस्तु नहीं है जो बाज़ारों में, अमृत कोई वस्तु नहीं है जो बाज़ारों में और दुकानों में मिलती हो। अमृत है सद्गुरु की वाणी, संतों की वाणी। अगर संतों की वाणी सुनोगे तो आपको अपनासी का बोध होगा। अमान नहीं मृत नाम नाश, जिसका कभी नाश नहीं होता है वही अमृत। अमृत है अपना अपनासी स्वरूप। ये कबीर साहब का स्टेज है और कबीर की वाणी सब लोग कह रहे हैं। मैं भी कबीर साहब की वाणी पर कुछ विचार रखूंगा। कबीर साहब ने बीजक, कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक में उन्होंने कहा है, बलिहारी वह दूध की जामे निकरे घी, आदि साखी कबीर की चार वेद का जीव। आदि साखी कबीर की चार वेद का जीव, बलिहारी वह दूध की। उस दूध की बलिहारी यह प्रशंसा है जिसमें घी निकलता है। भैंस बेचने वाले जाते हैं, वो लोग कहते हैं हमारी जो भैंस है वो घ्यावर है, घी देती है।
तो उस दूध की बलियारी है जिसमें घी निकलता हो, तो इसी प्रकार से उस वाणी की प्रशंसा है जिसमें अपने स्वरूप का बोध होता हो, जिसमें अपने आप का बोध होता हो। जिंदगी भर वेदों को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, लेकिन अपने आप का बोध ही नहीं हुआ तो क्या मतलब है? अपने आप का बोध होना चाहिए। संतों की वाणी उस वाणी की प्रशंसा है जिसमें अपने आप का बोध होता है, और जिसमें बोध नहीं होता जिंदगी भर वेद शास्त्रों को रटते रहो, उपनिषदों को रटते रहो, और भी शास्त्रों को रटते रहो, लेकिन जिसमें अपने स्वरूप का बोध ना हो क्या मतलब है? अपने स्वरूप का बोध होना चाहिए। जिसको अपने स्वरूप का बोध हो गया है और अपने आप में स्थिति हो गई है, संसार फीका है। सारे संसार को एक तरफ रखा जाए, सारे संसार की दौलत है एक तरफ रखा जाए और जीवन को एक तरफ रखा जाए, फिर भी संसार की दौलत नहीं तोड़ सकती है, संसार का धन नहीं तोड़ सकता है जीवन के आगे, क्योंकि धन है वो नश्वर है, धन है केवल निर्वाह की चीज़ है, लेकिन अपना जो स्वरूप है, अपनी जो चेतना है, अपना जो ज्ञान है, अपना जो स्वरूप स्थिति है, ये तो अमर है, ये तो कभी नाश होने वाली नहीं है। तो उसको उसके आगे धन फेल है और संसार के प्राणी पदार्थ फेल हैं, इसलिए अपने आप का शोधन करना चाहिए, अपने आप में स्थित होना चाहिए। अपने की वाणी अपने का बोध नहीं होता है तो उस वाणी के पढ़ने से क्या लाभ हुआ? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, पंडित भूले पढ़वन वेदा, आप अपन पो भेद न, पंडित भूले पढ़गुन वेदा। पंडित लोग वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े, उपनिषदों को पढ़े, लेकिन उसी में भूल गए कि हम वेदों के ज्ञाता हैं, हम उपनिषदों के ज्ञाता हैं, हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लेकिन उनको अपने आप का बोध नहीं हुआ, अपने आप को नहीं जाने कि मैं कौन हूँ। कबीर साहब का संदेश केवल यही है, अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, क्योंकि जीव ये भूला हुआ अपने को शरीर मानता है। शरीर ये पांच तत्वों का पुतला है, शरीर है ये पांच तत्वों का पुतला है, और इसमें रहने वाला जो जीव है, रहने वाली जो आत्मा है, वो अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, बीजक में उन्होंने संदेश दिया है, पानी में पावक बरे अंधई आँख न सूझे। पानी में पावक बरे, पानी में अग्नि जल रही है, लेकिन पानी में अग्नि कभी नहीं जल सकती है। पानी में अग्नि कहाँ जलेगी? लेकिन पानी का स्वभाव होता है शीतल, पानी ठंडा होता, पानी को आप कितना भी गर्म कर दें, लेकिन पानी को जब उससे उतारेंगे तो एकदम शीतल, एकदम शीतल। इसी प्रकार से जो अपना स्वरूप है, अपनी जो चेतना है, अपनी आत्मा है, ये एकदम शांत है, एकदम शांत है, उसमें किसी प्रकार का उपद्रव है ही नहीं, किसी प्रकार के विकार है ही नहीं। अगर वो अपने को जान जाए, अपने में स्थित हो जाए, तो सारे विकार खत्म, मानसिक विकार खत्म, न वह काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, सारे विकार खत्म, सारी विषय शक्ति खत्म। विषय शक्ति के पीछे लोग परेशान हैं और जिंदगी भर पड़े रहते हैं, जिंदगी 90 वर्ष की अवस्था हो जाती है तब भी वो पड़े रहते हैं, लेकिन अगर उसको अपने आप का बोध हो जाए, अपने आप को जान ले, तो ये सारे विकार खत्म हो गए, सारे झंझट खत्म हो गए, कोई भी विकार नहीं रहेगा। इसलिए कबीर साहब की जो वाणी है वो अपने आप का शोधन करती है, अपने आप को बताती है कि अपने को जानो। मनुष्य जीता है, जिंदगी भर जीता है, लेकिन अपने को नहीं जानता है कि मैं कौन हूँ। स्व और पर, ये अध्ययन के दो विषय हैं, स्व और पर। स्व कहते हैं खुद को, पर कहते हैं पराई को। ये जिंदगी भर पराई में पड़ा रहता है, जिंदगी भर पर में लगा रहता है, स्व को जानता ही नहीं कि स्व क्या है। स्व अपना स्वरूप है, अपनी चेतना है, और इसको जानना चाहिए। कबीर साहब का जो संदेश है वो अपने को जानने के लिए है, अपने को जानो और जान करके अपने में मस्त रहो। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, किसी कवि ने कहा है, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, मन और इंद्रियों को स्वस्थ रखना चाहिए,
असत और आसक्ति का त्याग करना चाहिए और अपने को जानकर मस्त रहना चाहिए। मस्ती अपने में है लेकिन हमने पर में मस्ती मानी है, पर में मस्ती मान लिए हैं कि पर में मस्ती है, बंधुओं पर में मस्ती नहीं है, संसार की सारी संपत्ति फेल है अपने जीवन के आगे। इसलिए जीवन को जानना चाहिए, जीवन से परिचित होना चाहिए। कबीर साहब का संदेश है वो अपने आप को पाने के लिए है, अपने आप को जानने के लिए है। इसलिए अपने आप को जाने, अपने आप में स्थित रहें। अपने आप में स्थित रहेंगे तो संसार बिल्कुल बोना लगेगा, बिल्कुल फीका लगेगा, कुछ नहीं है संसार में, लोग फंसे हुए हैं, कुछ भी नहीं है। लेकिन अपने में है सब कुछ है, लेकिन संतों की वाणी है वो अपने आप का शोधन करती है, अपने आप को बताती है। इसलिए अपने आप में जानना है, अपने आप में स्थित होना है और अपने आप में स्थित होकर के यही जीवन का उद्देश्य है। कभी कमाना और खाना तो सब लोग लगे हैं, कमाने खाने में लगे हैं, कमाना खाना भी अच्छा है, लगे रहो, लेकिन अपने को जानना चाहिए और अपने को जानकर अपने में मस्त रहना चाहिए। जो अपने को जान लेगा और अपने में रहेगा उसका जीवन कितना महान है, कितना है। हम लोग बंधन नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर आप अपने में अपने में स्थित हो जाए, अपने आप में हो जाए तो कुछ नहीं बंधन है, वो बाहर है। जीव के स्वरूप में कोई बंधन ही नहीं है, जीव स्वरूप से मुक्त है। श्री विशाल देव ने कहा है, श्री विशाल जीव स्वरूप से मुक्त है, जीव अपने स्वरूप से मुक्त है, स्वरूप में कोई बंधन नहीं है। अगर उसके स्वरूप में बंधन होता कभी मुक्त हो नहीं सकता था, कभी मुक्त हो नहीं सकता था। जीव स्वरूप से मुक्त है। देश संबंध में भूल, वो देश संबंध कर लिया इसलिए भूला हुआ है, मान लिया है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, उसी में बंधन से। सदगुरु श्री अबला साहब ने कहा है, मेरा है, मेरा है, ऐसा मूड जन्म भर करता और एक दिन मिट्टी के नीचे है, पड़ा पड़ा है, सड़ता। ये मान लिया है कि मेरा है, मेरा धन है, मेरा मकान है, मेरी स्त्री है, मेरे बच्चे हैं, ऐसा मान मान करके सदगुरु श्री पूरन साहब ने भी कहा है, मान मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। ये मान मान करके बंधन में पड़ गया है, अपने मान मान करके बंधन पड़ जा, कर्मानंदी को छोड़ दे, अपने आप को छोड़ दे, अपने आप में स्थित हो जाए तो कितना महान हो जाए। तो इसलिए सब कल्पनाओं को छोड़ करके, सारी वासनाओं को छोड़ करके, सारे बंधनों को छोड़ करके अपना अपने में स्थित होना चाहिए। यही जीवन का संदेश है, कबीर साहब का यही संदेश है। और सारी वासनाओं को त्याग करके, सारी कल्पनाओं को त्याग करके और आप अपने आप में स्थित रहो, यही जीवन का उद्देश्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय। आप लोग चाहें तो जोर से भी जय बोल सकते हैं, और यदि जय बोलने के लिए कोई डॉक्टर मना किया हो तो न बोलना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। तो बोलने के लिए कहा, हाथ उठा बोनस में, ये ठीक है। पूज्य श्री रतन साहेब जी, कबीर आश्रम ककरैया से आप पधारे हुए हैं, बहुत पुराने और बुजुर्ग संत अनुभव की बातें सुना रहे थे, किस प्रकार हम बंधन में पड़ते हैं, बंधन कितना दुखप्रद है, बंधन से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, क्या करना है। ये सारी बातें जो आप सत्संग में सुनते हैं, केवल इतने तक आप रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। इन बातों को और अधिक विचार विमर्श करने के लिए, इस विषय पर अधिक सत्संग करने की आवश्यकता है, और इसके लिए जब अलग से आप संतों के पास बैठते हैं, वार्ता करते हैं, तो ये बातें और साफ होती जाती हैं। संकेत मात्र है ये, इसलिए आवश्यक है कि आप इन बातों को समझें। और अब हमारे बीच विराजमान हैं पूज्य संत श्री सजीवन साहेब जी। आप कबीर आश्रम कटिहार बिहार से पधारे हुए हैं, माइक लगा दे। आज जैसा कि मैं पहले भी कहा था, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज का ये महासमिति की बैठक, जिसको
जनरल बॉडी कहते हैं, किसी भी संस्था को संचालित करने के लिए हमें इस प्रकार के सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक तो होती है मैनेजिंग बॉडी, दूसरी होती है जनरल बॉडी। वो जनरल बॉडी की मीटिंग बैठक साल में एक बार होती है और वह दिन आज है। मैं जो संस्थान के सदस्यगण हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप सभी पंडाल में आ जाएं और कहीं ना कहीं जगह ढूंढ करके बैठ लें। जब समिति, जब संस्था की कार्रवाई होगी उसमें आपके सहमति की, सम्मति की ज़रूरत होगी। दूसरी बात, संत जन जो इधर उधर बिखरे हुए हैं और वे आ जाएं, यहाँ आज गुरु पूजा का कार्यक्रम है, तो उनसे भी निवेदन है कि आप दूर दूर रहेंगे, आपकी पूजा नहीं हो पाएगी, तो ये हमारे लिए कष्ट की बात होगी। तो आप आएँ, अपना यहाँ स्थान ग्रहण करें, आपके लिए बैठने की जगह बताई जाएगी। इसी प्रकार साध्वियाँ जहाँ भी हों वे आ जाएँ और अपनी जगह ग्रहण कर लें। अब हम सुनें पूज्य श्री सजीवन साहब जी के विचार। तो सदस्यगण, जो संस्था के मैनेजिंग बॉडी के सदस्यगण हैं, उनसे निवेदन है कि आप सब शीघ्र से शीघ्र मंच पर विराजमान हों। बोलो सतगुरु देव की, संत समाज की, इस ज्ञान यज्ञ की, समस्त श्रोताओं की, सतगुरु कबीर साहेब की। हम सभी लोग कबीर पार्क संस्थान इलाहाबाद के 45वें अधिवेशन के उपलक्ष में उपस्थित हैं। यहाँ पर हम आए हैं कुछ लेने के लिए और साथ में कुछ देना भी चाहिए। आप बाज़ार में जाते हैं तो वहाँ आदान प्रदान चलता है, आप पैसा देते हैं तो वहाँ से सामान खरीदते हैं। इस सत्संग रूपी बाज़ार में भी कुछ आदान प्रदान चलता है। यहाँ अपनी बुराइयों को देकर जाएं और अच्छाइयों को लेकर के जाएं, क्योंकि बेशा मांगती है नोट और नेता मांगते हैं वोट और साधु मांगते हैं खोट, खोटी चीज़ आपसे मांगते हैं। सदगुरु कबीर विभिन्न प्रांतों में घूम घूम करके समाज को उन्होंने शिक्षा दिया, देश विदेश से हों फिरा गांव गांव की खोर। मैं देश विदेश फिरा और गांव गांव की गलियों में घूमा, कबीर साहब की क्या गरज थी। लेकिन कबीर साहब बड़े दयालु थे, वो जो उन्होंने अनुभव किया उस ज्ञान को समाज को देने के लिए कितना कष्ट सहा, और उन्हीं के अनुयायी जो विचारवान संत हैं विभिन्न प्रांतों में घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं। 15 प्रांतों में जाता हूँ। उद्देश्य यही है कि जो गुरु के द्वारा या संतों के द्वारा अर्जित किया गया उसको विसर्जित करें और इसमें सफलता भी है। हमारे संपर्क में आकर हजारों की संख्या में लोगों ने मछली मांस अंडा बीड़ी तम्बाकू ज़्यादा पान छोड़ने का संकल्प लिया, कई साधु भी ऐसे ही संत महात्मा घूम घूम करके समाज को शिक्षा देते हैं। जो साधु बना देते हैं वे भी साधु भ्रमण करके समाज को शिक्षा देते हैं। तो यह कबीर साहब का वचन था। तो हम लोग बहुत सी बातें सुने, थोड़ी सी चर्चा मैं भी कर दूं। सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है, पहले जान स्वरूप को पाछे बंधन चीन, दोनों की परिचय भई तबे मोक्ष रख लीन। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति सभी लोग चाहते हैं, चाह जैसे होती उस प्रकार से राह नहीं मिल पाई, इसलिए आदमी दुखी रहता है। कबीर साहब ने कहा, चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। ये जीव सुख चाहता है लेकिन दुख साथ नहीं छोड़ता, दुख बना रहता है। श्री विशाल देव ने भी कहा है, दुख खेदय सुख को भजय, यह उपाय नित शोध,
खेदा सो सन्मुख रहा राखा हो विरोध। आदमी दुख को खदेड़ना चाहता है, दुख कहीं से आने न पाए और सुख का हमेशा भजन करता है, लेकिन जिसको खदेड़ता रहता है वो सामने ही बना रहता है और जिसको चाहता उसका विरोध हो जाता है। क्यों? हमारे कर्म ठीक नहीं। दुख के उत्पादक हम स्वयं हैं, दुख का निर्माता हम स्वयं हैं। कबीर साहब ने कहा, हंसा तूत और सबल था हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंग या तय किया और लगवार। हे हंस हे जीव, तू सबल था लेकिन अपनी चाल से तू हल्का हो गया है। चाल अगर ठीक हो जाए तो हाल बढ़िया हो जाए, लेकिन चाल गड़बड़ है तो हाल गड़बड़ है। क्योंकि हम ऊपर कुछ लगवार मान लिया है। यों तो विषयों में हम सुख चाहते हैं, सुख तो सभी चाहते हैं, लेकिन उस विषय में सुख मिल नहीं पाता है। किसी बूढ़ा और बूढ़ी से पूछो वो कितना सुख का बैंक बैलेंस किया। जमीन को आपने बना लिया, मकान बना लिया, धन कमा लिया, बहुत बैंक बैलेंस कर लिया, तमाम बच्ची बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन सुख कितना इकट्ठा किए? मिला कुछ? जिंदगी भर रोते रहते। सदगुरु श्री रामेश्वर साहब ने कहा है कि सुख आशा दुखधार में बहा जात मन मूढ़, सुख आशा दुखधार में बहा जात मन मूढ़, गुरु बिन कभू न होश होए कला कल्पना गूढ़। सुख की आशा लगा करके दुख की धारा में जीव मूढ़ जीव बहता चला जा रहा है और सुख उसको मिल नहीं पाता है। तो ये संसार का सुख हम विषयों में मान रखे हैं और उस जिस कारण से दुख का बीज बोते हैं और जिंदगी भर दुखी होते रहते हैं। क्या सुख का रास्ता किसने बताया है? ये संत गुरुजन जो सुखी हैं वे आपको रास्ता बताते हैं। 1963 में गुरु जी के शरण में आए और 80 साल के बाद 81 चल रहा है, लेकिन नो टेंशन। ये अपने जीवन का प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई टेंशन नहीं। और जो विचारवान संतों से पूछो, है कोई इनको मानसिक सुख दुख, कोई टेंशन इनको है? कोई नहीं, हमेशा इनको बारहों मास प्रसन्नत है। अगर आप भी चाहें तो ऐसा हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सुख कहीं बाहर खोजते थे, लगवार बना लिया, मान लिया। दूसरा सुख ईश्वर ब्रह्म परमात्मा देवी और देवता में ढूंढ रहे हैं कि कोई भगवान सुख दे देगा, लेकिन मना प्रस्तुत जो भगवान है कभी सुख दे नहीं सकता। और आदमी ऐसा है कि जो भगवान का निर्माण करता है। भगवान का निर्माता कौन है? आदमी। क्या आदमी को भगवान ने बनाया है कभी? कबीर साहब का वचन सुनो। कबीर साहब ने कहा, काजी तुम कौन किताब बखानी, तुम कौन किताब का बखान करते हो, झंकत बखत रहा निश्वासर मत ये को नहीं जानी, सख्त अनुमाने सूरत करत हो मैं बद न बदोगा भाई, जो खुदा है तेरी सूरत करत हो आप ही कठिन क्यों न आई। ए मुसलमान भाई, तुम कौन किताब की बात करते हो? अल्लाह ताला ने सारे अंग प्रत्यंग का निर्माण कर दिया तो क्या पेशाब नीति की खाल को नहीं काट सका? अगर वो भूल कर दिया, कह दो या खुदा अल्लाह ताला परवरदिगार, जो दूसरे बच्चे को जो बच्चों को पैदा करे मुसलमान के द्वारा उसकी सूरत कर दे, क्यों परेशानी उठानी पड़े? लेकिन विश्व में किसी मुसलमान का बच्चा सुनत का करके आया है आज तक? ये भी कल्पना है। तो कबीर साहब ने ये तर्क दिया मुसलमानों के लिए, तो हिंदुओं ने कहा वाह कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। पर कबीर ने हिंदुओं को भी नहीं छोड़ा। बड़ा नाम ब्राह्मणों गुरु, सभी बड़ों के ब्राह्मण गुरु कहे जाते हैं। कबीर साहब प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, पहिर जनेऊ ब्राह्मण होना मेरी क्या पहनाया, वो जन्म के शूद्र पर से तुम पाणी क्यों खाया। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दुजुचते, जब जन्म लेते हो तब सब शूद्र होते हैं और यज्ञोपवीत जब धारण करते हैं तब द्विज कहलाते हैं। तो ब्राह्मणों में पुरुषों को जनेऊ दिया जाता है लेकिन नारी को जनेऊ नहीं दिया जाता है। तो कबीर साहब ने कहा कि जो शूद्रिन है भोजन प्राथी, तुम तो जनेऊ पहन करके ब्राह्मण बन गए, और नारी क्या है, शूद्रिन भोजन बनाकर देती है, तुम खाते हो तो पूरे ब्राह्मण नहीं अधूरे ब्राह्मण रह गए। कबीर साहब और कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे कहा न आया, जो तुम ब्राह्मण ब्राह्मणी से पैदा हुए दूसरे द्वार से क्यों नहीं आए, जो तू त्रुक त्रुकनी को जाया पेटे का है न सुनत कराया, अगर तुम त्रुक त्रुकनी के द्वारा पैदा हुए तो पेट में से सुनत कराकर क्यों नहीं आए। ये दोनों बातें झूठी। अब आप लोग विचार कर सकते, कबीर विचार मन से झूठी बात को मत मानना। तो ये कबीर का तर्क है कि हिंदू मुसलमान लोग बाहर बनते हैं, कोई खुदा या भगवान बना करके नहीं भेजता है, पर भगवान को आदमी बना लेता है। व्यक्ति जैसा होता है वैसे भगवान का निर्माण करता है। मुसलमान भाई खुदा के राह में गाय भेड़ा ऊँट की कुर्बानी करते हैं, लेकिन सुअर को नापाक कहा।
तो ईसाइयों ने कहा मेरा परमात्मा गाय सूअर दोनों पसंद करता है, उसकी चर्बियों को हवन को तो सुनकर खुश हो जाएगा भगवान, ईसाई का भगवान। तो हिंदू का भगवान कैसा है? हलवा मालपुआ घी दूध से बतासा और यह तुलसी पत्ता से ही खुश हो जाता है हिंदू का भगवान। और जब आप थोड़ा निर्णय कीजिए कि सबका मालिक एक है, तो कहीं गाय भेड़ा ऊंट पसंद करता है, कहीं गाय सूअर और कहीं हलवा मालपुआ, कैसे मालिक सबका एक है? ये भी झूठ बोलता है। धर्म के नाम पर आदमी झूठ बोलता है, भगवान के नाम पर झूठ बोलता है और ज़िंदगी भर वो भगवान मिल नहीं पाता। मैं उदाहरण देता रहता हूँ। एक बार एक व्यक्ति तो कहने का मतलब ये कि आदमी धर्म के नाम पर झूठ बोलता है। तो इस प्रकार से जो झूठ बोलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो भगवान को आपने बनाया वो भगवान का आपका उद्धार कर ही नहीं सकता है। वास्तव में कोई ऐसा तत्व नहीं, प्रकृति और पुरुष का ठीक से ज्ञान होना चाहिए, जड़ और चेतन का। जड़ चेतन का सम्यक ज्ञान न होने के कारण से आदमी भटकता रहता है। इसलिए सद्गुरु कबीर देव ने कहा इसको ठीक से परखो, जिसको गीता में कहा गया प्रकृति च पुरुषं च विदिनादि उभावपि। प्रकृति और पुरुष को तो अनादि जान, प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि हैं। जड़ चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध जगमाए, या कि पारक प्राप्ति बंधन छूटत ना है। जड़ और चेतन दो वस्तु है अति प्रसिद्ध है, इसकी पारक की प्राप्ति बिना बंधन नहीं छूटता है। तो प्रकृति और पुरुष का, जड़ चेतन का, आत्मनात का ठीक से ज्ञान होना चाहिए। और ये ज्ञान आपको पारख बोध के द्वारा ही हो सकता है। और आप ठीक से परखें, परख लो खरा खोट हो रवैया राम, खरा क्या है और खोटा क्या है इसको परख लो। तो समय तो खैर जैसा है तैसा ही है। अब मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलो सद्गुरुदेव की जय।